हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी एक्सरसाइज 7J का पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 7J एक्सरसाइज का कंप्लीट किया था और उसमें पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। बी पार्ट हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और ये हमारे पास है डी एक्स। तो 5 का ए नंबर करते हैं, एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। आई लेट के अकॉर्डिंग अल्जेब्रिकल पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड लगाएं तो फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन e की पावर ए एक्स अपान ए माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा x e की पावर ए एक्स अपान ए माइनस का 1 अपान ए बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर ए एक्स का, तो ये हो जाएगा x e की पावर ए एक्स अपान ए माइनस का 1 अपान ए और इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ए एक्स अपान ए प्लस का c। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई e की पावर ए एक्स अपान ए माइनस e की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस का c। अगला हम बात करेंगे 5 के बी पार्ट की। 5 का बी नंबर कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा x और इंटू हो जाएगा x स्क्वायर डी एक्स। इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स को हमने t मान लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt। तो देखिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा माइनस का dt। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t 1 अपॉन x, इसकी जगह पे हमने t रख दिया, और dx अपॉन x स्क्वायर, इसकी जगह पर हो जाएगा माइनस का dt, माइनस हमने बाहर कर लिया, और ये हो जाएगा t e की पावर t dt। ये अलजेब्रिकल है, फर्स्ट मान लिया और ये एक्सपोनेंशियल है, सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड लगाइए तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा माइनस टी ई की पावर टी, माइनस माइनस प्लस हो गया ये ई की पावर टी डी टी। अभी हम ई की पावर टी का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर टी और प्लस का सी। ई की पावर टी अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी, ये 1 और ये माइनस टी प्लस का सी। अभी टी का मान रख दें e की पावर 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का c। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का c। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x। बी नंबर हमारे पास कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स। सी पार्ट हमारे पास कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और डी पार्ट हमारे पास कह रहा है, x माइनस 3 e की पावर x डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब डी एक्स। तो 6 का ये नंबर करते हैं, x साइन 3x डी एक्स। आई लेट के अकॉर्डिंग
आई लेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, आई एल ए टी ई, तो अल्जेब्रिकल पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो साइन थ्री एक्स का समाकलन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन सी, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक सेकंड का समाकलन का समाकलन, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस का वन बाई थ्री कॉस थ्री एक्स, और ये हो जाएगा टी एक्स। कॉस थ्री एक्स का फिर से समाकलन करेंगे तो कॉस थ्री एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन का थ्री एक्स अपान थ्री प्लस का सी, तो माइनस का एक्स बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस वन अपान नाइन साइन थ्री एक्स प्लस का सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पी की। तो छः का बी पार्ट कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कास्ट टू ए का फार्मूला, कास्ट टू ए का फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा वन माइनस कास्ट टू एक्स अपान टू। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वन माइनस कास टू एक्स अपान टू, और ये हो जाएगा डी एक्स। वन अपान टू को बाहर कर लिया, यक्स का अंदर गुणा करा दें तो यक्स माइनस का यक्स कास टू एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा वन अपान टू एक्स डी एक्स माइनस का वन अपान टू यक्स कास टू एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट और ये सेकंड, अल्जेब्रिकल पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, और यहाँ से यक्स का समाकलन हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू, ये हो गया फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लगा दीजिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक सेकंड का समाकलन, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस का एक्स बाई फोर साइन टू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, और ये हो जाएगा टी एक्स। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस का एक्स बाई फोर साइन टू एक्स प्लस का वन बाई फोर, और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कास टू एक्स अपान टू प्लस का सी। तो वैल्यू आ जाएगी यक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस का एक्स बाई फोर साइन टू एक्स माइनस का वन बाई एट कास टू एक्स प्लस का सी। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छः की। छः का सी पार्ट कह रहा है, एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अल्जेब्रिकल पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, तो देखिए जब बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है तो एक टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, टेन स्क्वायर को ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन। अब इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएं और साथ में यक्स का गुणा भी करा दे रहे हैं, तो यक्स सेक स्क्वायर डी एक्स और माइनस का यक्स डी एक्स। ये देखिए अल्जेब्रिकल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड मान लिया, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक सेकंड का समाकलन, और यहाँ से यक्स का समाकलन हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा यक्स टैन एक्स माइनस, और ये टैन एक्स और टैन एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग सेक एक्स और माइनस का यक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सी, या फिर आप माइनस लॉग कॉस एक्स अगर लिखें तो ये हो जाएगा प्लस का लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम छठवें के डी पार्ट की बात करेंगे। छः का डी पार्ट कह रहा है, एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स। ये देखिए नीचे एक्स माइनस वन है, तो इसको हमने क्या किया कि एक्स माइनस वन लिख लिया। अगर एक्स माइनस वन लिखें तो ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हमारे पास है एक्स माइनस वन का क्यूब, और ये है ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे
इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए इसको इससे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी और इनटू में आपका है e की पावर x dx। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है। आपको मैंने फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स e की पावर एक्स dx, इसका समाकलन होता है e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का c, यानी इसका अवकलन इधर बनना चाहिए, ठीक है, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा इसका अवकलन करिए, जब इसका अवकलन करेंगे एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर का ऊपर जाएगा तो पावर माइनस टू, तो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का पावर माइनस थ्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका अवकलन ये हो रहा है, तो इसका मतलब इसका समाकलन हो जाएगा e की पावर एक्स एफ एक्स, मतलब इसका अवकलन अगर ये हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस का सी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन ये हो रहा है तो ई की पावर एक्स एफ एक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब टैन इनवर्स एक्स डी एक्स। बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, बेस में ई है, डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और सी पार्ट हमारे पास कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो चलिए सेवन के ए पार्ट की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पर अल्जेब्रिकल है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, अल्जेब्रिकल को सेकंड, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन, तो एक्स क्यूब का समाकलन एक्स की पावर फोर बाई फोर, फर्स्ट का अवकल गुणांक वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का समाकलन एक्स की पावर फोर अपॉन फोर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर टैन इनवर्स एक्स माइनस का वन बाई फोर एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये देखिए उचित भिन्न में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम भाग करेंगे, तो चलिए इसको भाग करते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हर की घात क्या है आपके पास, छोटी है अंश की घात से, तो इसको पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, तो चलिए इसका डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसका जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर फोर में, देखिए कितने टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणा कराइए इसका एक्स की पावर फोर और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो गया माइनस स्क्वायर, अभी घाते बराबर है, अब माइनस का वन टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन, तो ये प्लस तो कितना आ गया, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर लिखेंगे प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर टैन इनवर्स एक्स माइनस का वन बाई फोर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका हो जाएगा माइनस एक्स, और इसका हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर फोर बाई फोर टैन इनवर्स एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाई ट्वेल्व माइनस का एक्स बाई फोर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का वन बाई फोर टैन इनवर्स एक्स प्लस का सी। इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं वन बाई फोर टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा माइनस वन टैन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई फोर
माइनस का एक्स क्यूब बाई 12 और प्लस का एक्स बाई 4 प्लस का सी, ये हमारे पास का आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। तो 7 का बी पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमने यहाँ पर लिखा लॉग एक्स और इंटू में लिखा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। अब लॉग को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो यहाँ समाकलन किसका है, ए एक्स प्लस बी की पावर है, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में, क्योंकि तो पावर में क्या होता है, एक जुड़ता है, ठीक है ना। तो माइनस टू में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस वन और अपान माइनस वन, और यक से गुणांक से डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा। माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, और ये हो जाएगा डी एक्स। अभी हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस, इसको नीचे ले आइए, लॉग एक्स अपान वन प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बचेगा डी एक्स अपान, इस वैल्यू को नीचे लाइए, यक्स अपान वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स अपान वन प्लस एक्स। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो ये देखिए हमने कैलकुलेशन किया, वन प्लस एक्स माइनस एक्स, यक्स जोड़ दिया, यक्स घटा दिया, डी एक्स, और ये हो जाएगा यक्स वन प्लस एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, तो माइनस लॉग एक्स अपान वन प्लस एक्स, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो वन प्लस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा वन अपान एक्स, यहाँ यक्स एस कैंसिल, ये बचेगा वन अपान वन प्लस एक्स, और फार्मूला कौन सा बन रहा है, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स। यहाँ तो आपके पास देखिए वन अपान एक्स का अवकलन क्या हो गया, लॉग एक्स, और यहाँ पे देखिए इसका अवकलन करेंगे वन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग में वन प्लस एक्स और प्लस का सी, तो माइनस लॉग वन प्लस एक्स, और यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है लॉग का एक्स अपान वन प्लस एक्स प्लस का सी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से लिखते हैं लॉग का यक्स अपान वन प्लस एक्स और माइनस का लॉग एक्स अपान वन प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अभी हम बात करेंगे 7 के सी पार्ट की, साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर, और चूँकि इसका भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको भी हम फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे, क्योंकि सिंगल फलन है आपके पास, तो कोई फार्मूला जब नहीं है तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो ये इंटू वन करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकल बढ़ाएंगे, तो इसका अवकलन होगा 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फिर से करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का समाकलन हो जाएगा यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 यक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर रहे हैं, साइन इनवर्स यक्स को टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट करिए, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से यक्स का मान क्या रखेंगे, साइन टी, ठीक है ना, यक्स का मान क्या रखेंगे, साइन टी रखेंगे। चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी हो गया, और यक्स की जगह पर साइन टी हो गया, और डी एक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर की जगह पर डी टी हो गया, और ये देखिए क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपके पास अलजेब्रिकल और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, ठीक है, डी टी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2t cos t, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt यक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2t
कॉस टी माइनस टू, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी प्लस का सी। अभी मान किस में है, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2t, और कॉस को ले सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये हमारे पास है माइनस का 2 साइन टी प्लस का सी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, यहाँ वैल्यू रखिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन टी की वैल्यू यक्स, और टी की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 और साइन टी की वैल्यू क्या है यक्स, और प्लस का सी। ये हमारे पास का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन में आपके पास दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, यहाँ हमने लिखा एक्स अपान कॉस एक्स, इंटू में लिख लिया यक्स कॉस एक्स अपान यक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। इसको सेकंड क्यों माना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हम यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है। अगर हम अवकलन करें वन अपान यक्स साइन यक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखिए इसका अवकलन क्या आएगा, ये वन अपान एक्स टाइप है, तो वन अपान एक्स का अवकलन माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी यक्स तो है नहीं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो इस यक्स साइन एक्स में फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणाओं और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणाओं, और कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, ये साइन साइन कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बची यक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई यक्स साइन यक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम ये कहें कि इसका अवकल गुणांक ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम समाकलन करें यक्स कॉस यक्स अपान यक्स साइन यक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका समाकलन बनेगा माइनस का वन अपान यक्स साइन यक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, तो इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए यही तो है हमारे पास सेकंड, तो इसका समाकलन का फार्मूला ये बन रहा। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड का फॉर्म लगा रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा माइनस का वन अपान एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, किसका अवकलन कर रहे हैं यक्स अपान कॉस एक्स का, तो इसका क्या होगा आंसर, तो ये हो जाएगा हर का वर्ग, फिर यहाँ क्या होगा हर गुणित अंश का अवकल गुणांक, तो यक्स का वन हो गया ऋण अंश गुणित हर का अवकल गुणांक, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का यक्स साइन एक्स हो जाएगा। चलिए और सेकंड का समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन होगा माइनस का वन अपान यक्स साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, और ये क्या है हमारे पास डी एक्स, ये सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस का यक्स वन अपान कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स, और ये हो जाएगा यक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन अपान कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस का सी। हम देख सकते हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स
लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो लॉग अर्थ में पहले आता है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो चलिए फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणा एक्स की पावर एन से टू लॉग एक्स हुआ, लॉग एक्स का दोबारा करेंगे वन अपान एक्स, और सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स, फिर से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा यक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस का यक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन टू एक्स डी एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी यक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस का वन बाई टू, और यक्स का समाकलन हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस का सी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स वन प्लस यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कि अगर हम बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की, तो इसका फार्मूला होता है कॉट इनवर्स का टैन इनवर्स में टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फार्मूला। तो देखिए हम यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं, इसको हमने लिखा टैन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स। अब अगर यहाँ से हम यक्स को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा यक्स माइनस का वन। अब इसको हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हमने लिख लिया एक्स माइनस का यक्स माइनस वन और वन प्लस यक्स यक्स माइनस वन, ठीक है, देखिए अगर इसको घटाएं तो वन ही आएगा ये वैल्यू। अब यहाँ पर ये फार्मूला हमारा बन रहा है टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का, ये फार्मूला होता है टैन इनवर्स यक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये देखिए x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो x की जगह x है और y की जगह क्या है x माइनस वन, तो हो जाएगा टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स x माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स x dx एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स x माइनस का वन dx। इसमें देखिए इंटू वन ले लिया हमने, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स माइनस वन डी एक्स, ये हमारे पास हो गया एक्स टैन इनवर्स एक्स, इसमें हमने दो का गुणा दो का भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे पहले, ठीक है, अगले स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, इधर वाले को भी, यहाँ हमने एक्स माइनस वन को टी मान लिया, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। और यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो रहा है तो इसका समाकलन होता है लॉग एफ एक्स प्लस का सी। देखिए इसका अवकलन ऊपर बन रहा है
वन प्लस स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये हो जाएगा x टैन इनवर्स x माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा लॉग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का टैन इनवर्स यहाँ पर रख दीजिए t, और ये dt। अब टैन इनवर्स t का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x टैन इनवर्स x, इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग, और टैन इनवर्स टी को फर्स्ट मान लिया और 1 को हमने सेकंड मान लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो जब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस का लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड लगाइए तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, तो ये वैल्यू हो जाएगी यक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस का लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टी टैन इनवर्स टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा यक्स टैन इनवर्स एक्स और माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टी टैन इनवर्स टी प्लस का 1 अपॉन 2, और ये देखिए हो जाएगा लॉग में 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का सी, और ये हम वैल्यू सकते हैं तो ये हो जाएगा यक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ से टी का मान रखेंगे यक्स माइनस 1, यहाँ भी टी का मान रखेंगे एक्स माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन 2 लॉग में 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का सी, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और भी कैलकुलेशन किया जा सकता है या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अल्जेब्रिकल पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 हमने बाहर निकाल लिया, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर किया तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक सेकंड का समाकलन, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स डी एक्स, तो यहां से आपके पास ई की पावर एक्स का समाकलन हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब यहाँ से अगर हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 ई की पावर एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लॉग में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये हमारे पास रिडल नज़र आ रही है, फर्स्ट सेकंड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को फर्स्ट मान लीजिए और साइन एक्स को सेकंड मान लीजिए, इसको हमने क्या किया फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन, तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो लॉग का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका फिर से दोबारा करेंगे
तो sec x का हो जाएगा sec x tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इंटू में सेकेंड का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos x dx। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का cos x लॉग में sec x प्लस का tan x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ से हम sec x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा sec x प्लस tan x, और डिवाइड में हमारे पास है sec x प्लस tan x, और ये जो cos है इसको हम ले सकते हैं वन अपान sec x, तो ये sec से sec कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का cos x लॉग में sec x प्लस tan x, और ये वैल्यू बचेगी प्लस का 1 dx, तो 1 का समाकलन क्या होगा x, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का cos x लॉग में sec x प्लस tan x, और x का समाकलन 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस का c, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस का cos x लॉग में sec x प्लस tan x और प्लस का c। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x लॉग में sec x प्लस tan x, ये पीछे क्वेश्चन आपके पास हो चुका है प्रतिस्थापन विधि में, हमने क्या किया था इसमें लॉग sec x प्लस tan x को t माना था, ठीक है, जब इसको हम t मान लेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान sec x प्लस tan x, दोबारा इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x का sec x इंटू tan x, tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, sec x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा sec x प्लस tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू से कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी sec x dx इज इक्वल टू dt, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t, और sec x dx जगह dt, t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, अभी t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा log में sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास है log x dx, ये फर्स्ट ले लेंगे ये सेकंड ले लेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो जब इसका समाकलन हो जाएगा तो चलिए इसका समाकलन करेंगे तो अंदर समाकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और 1 का हो जाएगा x माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और 1 का हो जाएगा x, ये हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा अगर हम x कॉमन ले लें, ठीक है, x बाहर निकाल लें तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1, और 3 अगर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये, और log x भी है, और ये देखिए इसका जब 1 अपॉन x के अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dx, तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 3 सॉरी x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 log x, और इसका समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बाई 3, ये माइनस हो जाएगा, 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस का c, तो वैल्यू आ जाएगी x बाई 3 x स्क्वायर प्लस 3 log x माइनस का x क्यूब बाई 9 माइनस का x प्लस का c, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x डिवाइड बाई
वन प्लस यक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वन प्लस यक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे और ये हमारे पास है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ई की पावर एक्स डी एक्स। पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, इसका जरा अवकलन करिए, देखिए वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन ये हो रहा है तो इसका समाकलन हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स, यानी ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस का सी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।